हाय दोस्तों, मैं देवर, आप सभी का मेरी एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग और बहुत खतरनाक वाला मोड। तो इसमें अपन मतलब डायमंड एमरल्ड की सैपलिंग है मेरे पास, बंदे ने बना के दिया है मुझे मोड, तो अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई होप कि इसमें से डायमंड निकले। उसने बोला कि स्कैम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिल भी सकते हैं, नहीं मिल सकते, गारंटी नहीं है। तो फिलहाल इन चेस्टों के अंदर उसने सैपलिंग दी है बहुत सारी, तो अभी तो मुझे कुछ नहीं पता। बस उसने बोला कि इसमें बहुत सारी सैपलिंग है, डायमंड, कोल, मतलब आयरन, इन सभी की सैपलिंग है, बट ये नहीं बताऊंगा कि इनसे आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तेरे लिए सरप्राइज है, और तेरे को ही देखना है कि ये मतलब वुड है या इनमें से डायमंड निकलेंगे। तो फिलहाल मुझे खुद को नहीं पता है, तो फिलहाल इनको ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले मैं डायमंड वाली सैपलिंग ले लेता हूँ और फिर इनको ग्रो करके देखते हैं। तो बंदे ने मुझे बोन मिल भी दी है, चेस्ट के अंदर बोन मिल है कि ट्री को जल्दी बड़ा कर लें। तो फिलहाल इनको यहाँ पे मैं लगा के देखता हूँ डायमंड वाली सैपलिंग, और फिर देखते हैं कि मुझे डायमंड मिलते हैं या नहीं मिलते। आई होप मिल जाएँ यार, लिटरली यार बहुत मेहनत करी है। ओ भाई साहब, लिटरली डायमंड ट्री, लिटरली यार डायमंड ट्री। शायद इसको वुड को अपन मेल्ट करेंगे तो शायद अपन को मिल जाए। तो फिलहाल मैं यहाँ से वुड इसकी कट कर ले रहा हूँ, वुड तो सेम ही होगी ना यार। आई डोंट नो, मुझे खुद को नहीं पता कि इससे अपन को डायमंड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट ये डायमंड ट्री है लिटरली। आप विश्वास करोगे, डायमंड ट्री यार, और ट्री हैं इनमें, मतलब आयरन ट्री भी है मेरे पास, लैपिस लिजुली ट्री भी है लिटरली यार, रेड स्टोन ट्री भी है। अभी दिखाऊंगा, सभी ट्री दिखाऊंगा, बट इससे अभी डायमंड निकालने की कोशिश करते हैं यार। आई डोंट नो, उसने बताया नहीं यार कि इसमें से मिलेंगे या ये शो ऑफ के लिए, मतलब डिजाइनिंग के लिए, आई डोंट नो। बट इससे अपन को वुड मिल जाएगी, प्लैंक मिल जाएंगे, बट यार मुझे डायमंड कैसे मिलेंगे इससे। तो फिलहाल यार इसमें से यार डायमंड कैसे निकालो यार, उसने बताया नहीं यार कि ये कौन सा मतलब डिजाइनिंग ट्री है, मतलब नॉर्मल सा घर बनाने के लिए है, या इसमें से डायमंड निकलेंगे लिटरली यार। मुझे खुद को कन्फ्यूज हो रहा है यार, शायद इसको मेरे को फर्नेस में मेल्ट करना पड़ेगा, और इससे मुझको अक्रोन मिल रहा है। आई डोंट नो, ये क्या चीज़ है यार, मुझे तो खुद को नहीं पता यार। इसमें से मुझे ये डायमंड वाले ये तो मिल रहे हैं, बट मुझे इनमें से डायमंड निकालना है यार, कैसे निकालो यार। यार ये शायद यहाँ पे लगते होंगे शायद, पता नहीं यार क्या करूँ। तो जल्दी से मैं एक बार थोड़ी वुड कट कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ इनसे सीधा ही शायद मैं शायद पिकक्स या सोड बना पाऊँ इनको। मैं एक बार ट्री को कट करके फिर मतलब अपन स्टिक बनाकर फिर डायरेक्ट बना के देखते हैं कि बनती है क्या उससे पिकक्स या सोड कुछ भी। तो फिलहाल अभी मैं ट्री कट कर लेता हूँ, चॉप डाउन कर लेता हूँ इस ट्री को, पूरे को चॉप डाउन करते हैं जल्दी, चॉप चॉप लास्ट वाली है चॉप करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल कोई बात नहीं, जितनी हो गई उतनी कर लिया, अब इनकी जल्दी से मैं स्टिक और प्लैंक बनाकर फिर ट्राई करता हूँ कि इनसे मैं बना सकता हूँ क्या सोड और पिकक्स, और इन सभी के मैं प्लैंक बना लेता हूँ। और इस प्लैंक की मैं भी ये क्या बोलते हैं स्टिक बना ली। स्टिक बनाने के बाद में अब मुझे ट्राई करना है कि इनसे अपन बना सकते हैं क्या। यार इसके अंदर तो कुछ आ ही नहीं रहा यार बनाने का, तो यार डायमंड कैसे निकालो यार, आई डोंट नो। एक फर्नेस बना के फर्नेस में कुक करके देखें क्या तो डायमंड निकल जाए, ट्राई करके देखते हैं यार। उसने बताया देता तो अच्छी बात थी। तो ये मैंने इसको फ्यूल दिया तो इसमें नहीं हो रहा है, वुड को करके इसको करके देखूँ तो ये भी नहीं हो रहा है, अगर मैं प्लैंक को इसमें कुक करके देखूँ नहीं हो रहा है, इसको कुक करके देखें तो भी नहीं हो रहा है। तो यार ये मतलब डायमंड नहीं देने वाला है, तो नॉर्मल से फैंसी ब्लॉक है, मतलब इनसे अपन घर डिज़ाइन कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, और जो भी स्ट्रक्चर बनाना चाहे उनमें काम आने वाला है, क्योंकि इनसे मुझे नहीं मिल रहे डायमंड एमरल्ड कुछ भी नहीं मिल रहा है लिटरली। मैं आपको ट्री दिखा दूंगा सभी, बट ये स्कैम हो गया यार, कि उस बंदे ने तो बोला था कि इसमें मिलेगा, बट लास्ट में ये भी बोला था कि कुछ भी हो सकता है, विश्वास मत करना। बट यार कोई बात नहीं, अगर मिल जाते इससे डायमंड तो अच्छी बात थी, बट इससे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल यार देखो मैं इसको पिकक्स भी बना के दिखा देता हूँ, देखो नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल सा घर डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग वुड है, नॉर्मल सी अलग अलग कलर की वुड है जो डायमंड एमरल्ड नाम दे रखा है, और इसमें देखो बहुत सारी वुड दे रखी मुझे। तो फिलहाल सभी को ग्रो करके देखता हूँ, अभी मैं गोल्ड वाली को करके देखता हूँ इसकी वुड कैसी है, और इसको भी बोन मिल से बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे बड़ा नहीं होने वाला शायद। तो जल्दी से गोल्डन ये गोल्ड सैपलिंग को उगा के देखते हैं कि इससे कैसी वुड निकलती है, और इससे भी यार ठीक ठाक गोल्ड कलर की सैपलिंग से मिला है यार,
बट कोई नहीं यार, घर डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब ओपी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं इस वुड से, नॉर्मल सी फैंसी वुड है। तो फिलहाल ये एमरल्ड लगा के देखते हैं, तो सभी सैपलिंग एक बार लगा के देखता हूँ। और ये एमरल्ड सैपलिंग से ट्री हो चुका है एमरल्ड ट्री, और अब अपन लगा के देखते हैं रेड स्टोन ट्री, तो इसको भी ग्रो कर देते हैं जल्दी से। और ये रेड स्टोन ट्री, इससे अपन को रेड कलर की वुड मिलेगी। और अब अपन लगा के देखते हैं दूसरा क्वार्ट्ज ट्री, नहीं कोल ट्री। यार इसकी वुड यार एकदम डार्क है, देखो एकदम डार्क है, कोल ट्री है यार ये, कोई बात नहीं। और भी बहुत सारी ट्री हैं अभी, इनको भी ग्रो करना है। और वो रहा अपना गोल्ड ट्री, डायमंड ट्री मैंने तोड़ दिया है। और अब दूसरा ट्री देखते हैं, एमरल्ड ट्री हो गया, लैपिस लाजुली, क्वार्ट्ज ट्री देखते हैं। और इस क्वार्ट ट्री को बढ़ा के एकदम वाइट वुड है इसकी, तो पिंक वाइट है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, ये भी हो गया। और एक लैपिस लाजुली हो रहा है, इसको भी बढ़ा करके देखते हैं। तो जल्दी से इसको लगा देते हैं यहाँ पे, और फिर इसको ग्रो कर देते हैं सैपलिंग से इससे। तो ये ग्रो हो चुका है। तो फिलहाल लगभग मैंने सारे ट्री को उगा दिए हैं। और ये नॉर्मल सा आप फैंसी वुड है, तो इनसे अपन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मल सा अपन को क्या बोलते हैं कि इनसे अपन घर डिज़ाइन या कोई टेक्सचर डिज़ाइन करने में काम आता है। बंदे ने मुझे बोला तो था कि इससे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बट मुझे क्या पता था कि फैंसी चीज़ें मिलेंगी। उसने तो यार मुझे सपने दिखा दिए बहुत बड़े, और निकला कुछ भी नहीं। तो कोई बात नहीं, अगर आप इसे ट्राई करना चाहो तो नीचे कमेंट कर दो वीडियो में, तो मैं आपको ये मॉड प्रोवाइड करवा दूँगा। और प्लीज़ वीडियो पे कमेंट किया करो, सभी के सभी कमेंट किया करो। और 50 लाइक का एम है वीडियो पे, 50 लाइक कंप्लीट करवाना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो से लेके लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।